दुनिया भर में 200 करोड़ से ज़्यादा लोग साफ पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। 19 मार्च को स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में जारी होने वाली यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट लिविंग नो वन बिहाइंड में ऐसे कई चिंताजनक पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में 2010 में अपनाए गए प्रस्ताव में पीने के साफ और सुरक्षित पानी व स्वच्छता को मानवाधिकार का दर्जा दिया गया था। 2015 में स्वच्छता को विशिष्ट मानवाधिकार के तौर पर मान्यता भी मिली थी। यह अधिकार राज्यों को बिना भेदभाव पानी तक वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने को बाध्य करते हैं। सतत विकास का लक्ष्य भी 2030 तक सभी को पानी उपलब्ध कराने और स्वच्छता सुनिश्चित करने को कहता है। पिछले 15 सालों में इस दिशा में कार्य हुआ है, लेकिन यह लक्ष्य दुनिया भर में पहुंच से दूर बना हुआ है। साल 2015 में 10 में 3 यानी 210 करोड़ लोगों के पास पीने का साफ और सुरक्षित पानी नहीं था। वहीं 10 में से 6 लोग यानी 450 करोड़ स्वच्छता से संबंधित सुविधाओं से वंचित थे। सम्मान से जिंदगी जीने के लिए पानी का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन अब भी करोड़ों लोग इससे वंचित हैं। पीने के साफ पानी के मामले में अफ्रीका के लोगों की स्थिति सबसे दयनीय है। दुनिया में जितने लोग असुरक्षित पानी पीते हैं उनमें आधे अफ्रीका में रहते हैं। सब सहारा अफ्रीका में केवल 24% लोगों के पास पीने का सुरक्षित पानी उपलब्ध है और 28% लोगों के पास स्वच्छता से संबंधित सुविधाएं हैं। सब सहारा अफ्रीका के आधे लोग असुरक्षित स्रोतों से पानी पीते हैं। यहाँ पानी का इंतजाम करने की जिम्मेदारी महिलाओं और लड़कियों की होती है। उन्हें हर बार पानी ढोकर लाने में 30 मिनट से ज़्यादा वक्त लगता है। असुरक्षित पानी पीने के कारण यहाँ के लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और शिक्षा के अभाव से जूझ रहे हैं। दुनिया भर में शरणार्थियों और देश के भीतर विस्थापित लोगों तक साफ पानी और स्वच्छता की पहुँच बड़ी चुनौती है। 2017 में 6,85,00,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। आमतौर पर विस्थापितों की संख्या का औसत 2,53,00,000 होता है। अब लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़ी संख्या में विस्थापित हो रहे हैं। यह विस्थापन 1970 के दशक के मुकाबले दोगुना है। भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापितों की संख्या बढ़ने का अनुमान है। यह रिपोर्ट बताती है कि जलापूर्ति और स्वच्छता पर निवेश की सख्त ज़रूरत है।